Hey everyone, welcome back to Bela's Kitchen Corner. तो दोस्तों वापस हाजिर हूँ मैं एक और होली स्पेशल रेसिपी के साथ। तो आज मैं आपके लिए बनाने वाली हूँ दही वड़ा, जिसके बिना की होली तो बिल्कुल फीकी फीकी लगती है। लेकिन इस दही बड़े को बनाने के लिए ना तो घंटों दाल को भिगोने का झंझट है और ना ही दाल को पीसने का, और केवल 10 से 15 मिनट में हम ये बहुत ही सॉफ्ट स्पॉन्जी और मजेदार सा दही वड़ा बनाकर तैयार करेंगे। तो इस आसान और इंस्टेंट दही वड़े की रेसिपी जानने के लिए इस वीडियो में आखिर तक मेरे साथ बने रहिए, और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, इससे मेरे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको सबसे पहले और इमीडिएटली मिल जाएंगे। और अगर दही वड़े की रेसिपी आपको पसंद आती है तो लाइक बटन जरूर हिट कर दीजिएगा और इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फिर देरी किस बात की, फटाफट बनाना शुरू करते हैं ये होली स्पेशल दही वड़ा। और इस दही वड़े को हम दाल से नहीं बल्कि ब्रेड से बनाकर तैयार करेंगे। जी हाँ, हम इस दही वड़े को ब्रेड से बनाएंगे और यकीन मानिए बहुत ही मजेदार ये दही वड़ा बनकर तैयार होता है। तो मैंने यहाँ पे करीब 6 स्लाइसेस ब्रेड के ले लिए हैं। बस एक बात का आपने ध्यान रखना है कि जो भी ब्रेड आप लें वो एकदम फ्रेश होना चाहिए। अब इसके किनारों को काट कर हम अलग कर लेंगे और इनका इस्तेमाल आप ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए कर सकते हैं। ब्रेड से बना ये दही वड़ा बनाने में बहुत ही आसान है, झटपट बनकर तैयार हो जाता है और यकीन मानिए स्वाद में ये दाल वाले दही वड़े से किसी भी मामले में कम नहीं है। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही स्पॉन्जी और बहुत ही मजेदार ये दही वड़ा बनकर तैयार होता है। तो दाल के दही वड़े तो आपने कई बार बनाए होंगे और खाए होंगे, लेकिन एक बार ये ब्रेड का दही वड़ा बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे सारे ब्रेड के किनारों को काट कर अलग कर दिया है, और अब एक बोल में मैं यहाँ ले लूंगी 1 कप दूध, और अब तैयार किए हुए ब्रेड को हम इस दूध में भिगोएंगे। लेकिन आपने ब्रेड को इस दूध में डुबोकर नहीं रखना है, इसमें डालते ही आपने इमीडिएटली बाहर निकाल लेना है और एक्स्ट्रा दूध को आपने निचोड़कर निकाल देना है, और फिर इसे एक बोल में हम इकट्ठा करते जाएंगे। तो इसी तरह से मैं सारे ब्रेड को दूध में डुबोकर निचोड़कर इस बोल में इकट्ठा करती रहूंगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे सारे ब्रेड्स को अच्छे से दूध में भिगोकर निचोड़कर तैयार कर लिया है, और अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। और तब तक हम स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो स्टफिंग के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है 3/4 कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया, करीब 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ काजू, 2 बड़े चम्मच किशमिश, करीब 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक, और करीब 2 छोटे चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्ची। तो इन सब का इस्तेमाल हम अपने दही वड़ों की स्टफिंग के लिए करने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है एक बड़ा सा मिक्सिंग बोल। अब तैयार किए हुए सारे इंग्रेडिएंट्स को हम इस बोल में डाल देंगे। तो मुझे तो दही वड़ा काफी पसंद है, आप में से किस किस को दही वड़ा पसंद है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताना मत भूलिएगा। खासकर गर्मियों में तो दही वड़ा खाने का मजा ही कुछ और है, एकदम ठंडा ठंडा बहुत ही रिफ्रेशिंग सा लगता है। तो देखिए सारे इंग्रेडिएंट्स को मैंने इस बोल में डाल दिया है, अब अच्छे से इनको हम मिक्स कर लेंगे और ये हमारी स्टफिंग बिल्कुल तैयार है। मैं यहाँ पे नमक नहीं ऐड कर रही हूँ क्योंकि ब्रेड में ऑलरेडी काफी नमक होता है, तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए साइड में रख लूंगी। और यहाँ हमारा ब्रेड भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, तो इसका हम एक डो बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत अच्छे से मसल लेंगे इसे, इसमें कोई लंप नहीं रहना चाहिए। तो ये हमारा डो भी रेडी है और हमारा स्टफिंग भी एकदम रेडी है। तो चलिए भल्ला बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैं अपने हाथ में थोड़ा सा तेल मल लूंगी, और अब मैंने यहाँ पे ले लिया है ये आइसक्रीम स्कूप। आप चाहे तो किसी चम्मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मैं इसलिए ले रही हूँ ताकि बराबर साइज के वड़े बनकर तैयार हों। और अब मैं 1 स्कूप भर के ये डो अपने हाथों में ले लूंगी, इसको थोड़ा सा फ्लैट कर लूंगी, और तैयार किए हुए स्टफिंग वाले मिक्सचर में से 1 छोटा चम्मच मिक्सचर लेकर मैं इस वड़े के बीच में रख दूंगी और अच्छे से अब हम इसे सील कर देंगे। कोई भी गैप नहीं रहना चाहिए वरना फ्राई होते हुए ये वड़े जो है वो फटने लगेंगे। और स्टफिंग को अच्छे से सील करने के बाद अब हम हथेलियों के बीच में गोल गोल घुमाते हुए ये भल्ला बनाकर तैयार कर लेंगे। आप चाहे तो इसे हल्का सा फ्लैट भी कर सकते हैं या फिर इसे गोल शेप में भी तैयार कर सकते हैं, मैं इसे हल्का सा फ्लैट बनाना पसंद करती हूँ। और अब ठीक इसी तरह से हम बाकी भल्ले भी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए है ना एकदम आसान दही वड़े की रेसिपी, ना तो घंटों दाल को भिगोने का झंझट और ना ही उसे पीसने का, और फिर भी ये दही वड़े काफी मजेदार बनकर तैयार होते हैं। और ये दाल वाले दही वड़े से किसी भी मामले में कम नहीं होते, ना तो टेस्ट में ना ही टेक्सचर में। और मैं सही कह रही हूँ या गलत, भाई ये तो आपको तभी पता चलेगा जब आप इसे बनाकर ट्राई करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे सारे दही वड़ों को अच्छे से स्टफ करके तैयार कर लिया है, और अब हम इन्हें फ्राई करने की तैयारी करेंगे। तो ये एकदम रेडी है फ्राई होने के लिए। उसके लिए कढ़ाई में मैंने यहाँ पे तेल गरम कर लिया है। तेल जो है वो मीडियम हॉट होना चाहिए, ना तो बहुत ज्यादा तेज ना ही ठंडा। अब इन तैयार किए हुए दही वड़ों को हम इसमें डाल देंगे, और दही वड़ों को तेल में डालने के बाद अब हम फ्लेम को लो टू मीडियम पर ही रखेंगे और इन्हें बीच बीच में उलटते पुलटते हुए हम फ्राई कर लेंगे जब तक ये एकदम गोल्डन और क्रिस्प ना हो जाए। तो ये ब्रेड वाले दही वड़ों को फ्राई करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 1-2 मिनट में ही ये अच्छे से फ्राई होकर तैयार हो जाते हैं। और देखिए कितना प्यारा सा इनके ऊपर गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इनको पलट कर दूसरी साइड से भी अच्छे से गोल्डन और क्रिस्प होने तक फ्राई कर लेंगे। बस आपने एक बात का ध्यान रखना है कि आपने इनको बहुत ज्यादा तेज आंच पर फ्राई नहीं करना है, वरना ये बाहर से तो जल्दी फ्राई हो जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे और खाते वक्त फिर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो देखिए ये सारे वड़े बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें एक नैपकिन पेपर पर निकाल लेंगे ताकि इनमें जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो नैपकिन पेपर एब्जॉर्ब कर ले।
तो देखिए कितने बढ़िया और कितनी जल्दी ये वड़े फ्राई हो गए हैं, और इनको फ्राई करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बल्कि जो दाल वाले वड़े होते हैं उनको फ्राई करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो वड़े तो अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तो चलिए आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। उसके लिए एक बोल में मैंने यहाँ पे ले लिया हल्का सा गर्म पानी, इसमें मैं डाल दूंगी एक छोटा चम्मच नमक और एक चौथाई छोटा चम्मच हींग। अच्छे से इन्हें हम पानी के साथ मिक्स कर लेंगे। हींग को डालना बिल्कुल मत भूलिएगा, इससे ना केवल दही वड़े का फ्लेवर इन्हेंस होगा बल्कि ये डाइजेशन में भी हेल्प करेगा। और पानी ल्यूक वार्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म भी नहीं और ठंडा भी नहीं। अब तैयार किए हुए वड़ों को हम इस पानी में सोक करेंगे। केवल 5 से 6 मिनट तक ही हम इसे सोक करेंगे, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं, वरना ये फटने लगेंगे। A few moments later. तो देखिए वड़ों को सोक किए हुए करीब 6 मिनट हो चुके हैं। अब हम इन्हें पानी से निकालकर अच्छे से हथेलियों के बीच में निचोड़ लेंगे। बहुत ज्यादा टाइट प्रेस नहीं करना है वरना ये टूट जाएंगे। बस इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी है उसको आपने निचोड़ कर निकाल देना है। तो काफी सॉफ्ट हो गए हैं हमारे वड़े पानी में सोक करने की वजह से, और सोक करने की वजह से जब आप इसके ऊपर दही डालेंगे ना तो ये दही को ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। और अब एक बोल में मैं यहाँ पे ले लूंगी करीब 1/2 किलो चिल्ड दही। दही एकदम ठंडी होनी चाहिए, इस बात का आपने ध्यान रखना है। दही को अच्छे से हम फेंट लेंगे जब तक कि ये एकदम क्रीमी और स्मूथ न हो जाए। अगर दही ठंडी नहीं है तो आप उसमें थोड़े से आइस क्यूब्स डालकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। और दही बहुत ज्यादा गाढ़ी भी नहीं होनी चाहिए, अगर गाढ़ी है तो उसमें आप थोड़ा सा ठंडा पानी मिला दें। अब इसमें मैं डाल दूंगी 1/2 छोटा चम्मच काला नमक, 1 छोटा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, 1 छोटा चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, आप चाहे तो लाल मिर्च पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 छोटा चम्मच चीनी, ये बहुत जरूरी है, इसको बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, और 1/2 छोटा चम्मच नमक। अच्छे से इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम दही के साथ मिक्स कर लेंगे। इन सारे मसालों की वजह से दही में एक बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आ जाएगा और खाते वक्त और ज्यादा अच्छा लगेगा। तो चलिए फटाफट दही वड़े की असेंबलिंग कर लेते हैं। सर्विंग डिश में मैंने पहले ही भल्लो को डालकर रखा है, उसके ऊपर मैं डाल दूंगी थोड़ी सी मठरी। ये मठरी भी मैंने घर में ही बनाकर तैयार की थी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब भल्लो को हम अच्छे से तैयार की हुई दही से कवर कर देंगे। पूरे भल्लो को अच्छे से ढक देना है आपने इस दही से। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि दही बहुत ज्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए, अगर दही गाढ़ी है तो उसमें थोड़ा सा ठंडा पानी मिला लें, क्योंकि अगर दही ज्यादा गाढ़ी होगी तो भल्ले जो है दही को अच्छे से सोक नहीं करेंगे और बिल्कुल भी सॉफ्ट बनकर तैयार नहीं होंगे। तो देखिए मैंने भल्लो को अच्छे से दही से कवर कर दिया है, और अब इसमें मैं डालूंगी थोड़े से मसाले। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा नमक छिड़क लूंगी, और नमक के बाद अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा काला नमक, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है इसका। और दही वड़े को चटपटा और मजेदार बनाने के लिए अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा चाट मसाला, ये डालना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा भुना हुआ जीरे का पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, और लाल मिर्च पाउडर डालने के बाद अब इसमें मैं डालूंगी कटे हुए हरे धनिया के पत्ते, बारीक कटी हुई हरी मिर्च जिसको कि मैंने पतला पतला लंबा लंबा काट लिया था, इससे इसका स्वाद और तीखा और मजेदार हो जाता है, और आखिरी में अदरक के बारीक लंबे कटे हुए टुकड़े। और अब आती है बारी सबसे मजेदार टॉपिंग्स की, जो की है चटनी। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर थोड़ी सी धनिया और पुदीने की हरी चटनी डालेंगे। मेरे मुंह में तो ऑलरेडी पानी आ गया, और मुझे यकीन है इसको देखकर आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा। और धनिया और पुदीने की हरी चटनी डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे अंगूर की चटनी। इसका वीडियो भी मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, अगर वो वीडियो आपसे मिस हो गया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहे तो इसकी जगह इमली की चटनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आखिरी में मैं इसे थोड़े से फ्रेश पुदीने के पत्ते से डेकोरेट कर लूंगी, और ये सर्व होने के लिए बिल्कुल रेडी है। इसे ऐसे ही एकदम ठंडा सर्व करें। वैसे मैं इसे इमीडिएटली सर्व नहीं करती हूँ, मैं इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देती हूँ ताकि जो ब्रेड है वो अच्छे से दही को सोक कर ले और थोड़ा सा और सॉफ्ट हो जाए, उसके बाद ही मैं इसे सर्व करती हूँ। तो चलिए फटाफट इसे टेस्ट भी कर लेते हैं, मुझसे तो बिल्कुल रुका नहीं जा रहा। देखिए आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि कितने सॉफ्ट ये भल्ले बनकर तैयार हुए हैं, और यकीन मानिए टेस्ट में भी ये बहुत ही बढ़िया होते हैं, बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार होते हैं। और हमारा ये दही वड़ा वाकई में काफ़ी मज़ेदार बनकर तैयार हुआ है। ब्रेड के भल्ले काफ़ी सॉफ्ट और स्पॉन्जी बने हैं, और ऊपर से जो हमने टॉपिंग्स डाली हैं उनका फ्लेवर भी एकदम बैंग ऑन है। तो एकदम परफेक्ट रेसिपी है इस होली में ट्राई करने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ आज ये इंस्टेंट दही वड़ा की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो नीचे कमेंट लिखकर मुझे बताना मत भूलिएगा, और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।